हेलो दोस्तों, तो हम कॉलम एंड स्ट्रट का चैप्टर कर रहे हैं। इसमें हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम्स की अलग अलग क्लासिफिकेशन है, किस तरह से है कि शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम और लॉन्ग कॉलम। मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास देखो दो तरह के मैं यहाँ पे कॉलम रख रहा हूँ आपके सामने। एक मेरे पास है शॉर्ट लेंथ वाला, शॉर्ट लेंथ और वो डायमीटर के साथ रेशियो। देखिए डायमीटर अगर ज्यादा है और लेंथ कम है, ठीक है, उसका एक रेशो ठीक है, ठीक है। तो और अगर रेशो ठीक है तो ये देखो ये कंप्रेशन में आएगा, ठीक है, ये कंप्रेशन में आएगा। और अगर लेंथ ज्यादा रखती और डायमीटर कम रख दिया, ठीक है, उसकी रेशो सही नहीं रखी तो ये बक्कल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर बक्कल होता है तो ये लॉन्ग कॉलम में आता है, और जो ये होता है ये शॉर्ट कॉलम में आता है, ठीक है। ये शॉर्ट कॉलम में, ये लॉन्ग कॉलम में, इन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मीडियम कॉलम में आएगा, ठीक है, मीडियम कॉलम में आएगा। तो हमें ये दिक्कत ना आए, ठीक है, कल को हम जब कॉलम बनाए, छत डालें तो कॉलम जब बनाए तो ये दिक्कत ना आए कि किस में फेल हो रहा है, क्यों, कौन सी स्ट्रेसेस लेनी है। तो उसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ता है। अब डिसाइड कौन करे कि कितनी लेंथ रहे, डायमीटर कितना ले, ये कौन डिसाइड करे। तो हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें वहां पे एक्सपेरिमेंट करके दे, चलो ऐसे करते हैं बिल्डिंग बना के देखते हैं फिर देखेंगे कि ये फेल होगा या नहीं होगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो ऐसा नहीं बोल सकते। तो इन्होंने हमें डेफिनेशन दे दी, कहता है कि अगर आप कॉलम बना रहे हो, ठीक है, तो उसकी अगर डायमीटर, मान लो कि यहां पर ये कॉलम है, ये कॉलम है और ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, समझ रहे हैं। तो मेरे पास इसका ये डायमीटर होगा d, ठीक है, और ये होगा l लेंथ। तो ये कहता है कि इसकी लेंथ जो है, लेंथ हमेशा कम होनी चाहिए 8 टाइम्स डायमीटर से। अगर आपने डायमीटर 10 रखा है तो 80, मतलब 8 गुना क्या हो गया, 80 हो गया ना, तो 80 से लेंथ कम होनी चाहिए, ठीक है। लेंथ जो है वो 80 से कम, जो भी आप यूनिट से लेंगे उसमें, उसका 8 गुना से कम रखोगे तो वो शॉर्ट कॉलम में आएगा। और शॉर्ट कॉलम की एक बात बता दूं, ये हमेशा हमेशा ये कंप्रेशन में ही आते हैं, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ही देखते हैं, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ही देखते हैं। आप चाहे ये घर पे कर सक करके देख सकते हैं, छोटा सा झाड़ू का तीला लें और उसको आप ऐसे दबा के देखें, लेंथ उसकी कम रखें, ठीक है, और डायमीटर इस तरह से रेशो रखें और इसको दबा के देखें, इसको दबा के देखोगे तो ये हमारे पास कंप्रेशन में आएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ आगे चलते हैं, तो मेरे पास मीडियम कॉलम, तो मीडियम कॉलम में यहां पे जो लेंथ होगी वो 8 गुना डायमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, लेंथ जो है 8 गुना से ज्यादा होनी चाहिए डायमीटर से, और कम होनी चाहिए वो 30 गुना डायमीटर से, डायमीटर का 30 गुना है उससे कम होनी चाहिए, तो वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा मीडियम कॉलम, ठीक है। और जो लॉन्ग कॉलम है उसमें जो लेंथ है वो 30 टाइम्स डायमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से हो जाता है तो ये अलग अलग कंडीशन बन जाती है हमारे पास, ठीक है, ये कंडीशन एक आ गई, ये कंडीशन अलग से आ गई कि 30 गुना से ज्यादा। अब एक और है जिसको हम पढ़ते हैं स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, वो आपको लिंक दे रहा हूं ऊपर, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। तो स्लेंडरनेस रेशियो हमारे पास इसकी शॉर्ट कॉलम की, ठीक है, वो 32 से कम होनी चाहिए, 32 से कम होनी चाहिए। और स्लेंडरनेस रेशियो मीडियम कॉलम की, अब मीडियम कॉलम की कितनी हो, वो 32 से ज्यादा और 120 से कम। और लॉन्ग कॉलम की स्लेंडरनेस रेशियो 120 से ज्यादा ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिसाइड कर देगा कि आपका कॉलम शॉर्ट है, मीडियम है कि लॉन्ग है, ठीक है।
अगर मैं इस तरह से लॉन्ग कॉलम बना लेता हूं पहले, ठीक है, तो उस पे सिर्फ बकलिंग लोड देखूंगा कि बकलिंग लोड उस पे एक्ट होगा, ठीक है, और मैं अगर शॉर्ट देखता हूं तो उसमें कंप्रेसिव, तो उसमें कंप्रेसिव होगा, तो मेरे पास यहां पे कंप्रेसिव और यहां पे सिर्फ बकलिंग देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इसमें कंप्रेसिव होता है वो निगलिजिबल होता है, बकलिंग देखेंगे, और इस केस में हम दोनों कंप्रेसिव भी देखेंगे और बकलिंग भी देखेंगे, दोनों देखेंगे, ठीक है, बकलिंग भी देखेंगे। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन। तो हमें किस तरह से डिजाइन करना है, रिक्वायरमेंट क्या है और कौन कौन से स्ट्रेसेस है, ये पता होनी चाहिए। पता है तभी तो हम बचा सकते हैं ना लोगों को, ठीक है। अगर ऐसा हो, फेलियर हो गया, तो वहां पे बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो हमने ये नहीं होने देने, ठीक है। तो ये आपने पढ़ना है इस तरीके से कि ऐसा अगर बनाऊंगा डिजाइन तो वो फेलियर ना हो। कहाँ पे कौन सा फेलियर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो डिसाइड कौन करेगा, ये फॉर्मूलाज डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा कॉलम बनाना है, ठीक है। मोस्टली हम जो भी करते हैं, बातें करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि बकलिंग ना हो, ठीक है, बकलिंग ना हो। और इसका ना आम सी दुनिया में एग्जांपल अगर देखें कि किस तरह से एग्जांपल हम देख सकते हैं, आप देखना जो भी हमारी बॉडी भी है ना, इवन बॉडी भी है वो भी एक परफेक्ट रेशियो में बनी हुई है। हमारी जो लेग्स हैं वो भी, उसका डायमीटर और लेंथ वो भी परफेक्ट रेशियो में बना हुआ है, ठीक है। अगर किसी को ये गलती से पोलियो का शिकार हो गया कोई, और वो पोलियो के शिकार के कारण उसकी देखना हड्डियां जो है वो, उसकी लेग्स जो है वो कमजोर रहती हैं, ठीक है, उसका एक तरह से जो मोटाई है वो कम हो जाती है और उसकी लेंथ ज्यादा होती है, तभी वो उनसे चला नहीं जाता, ठीक है। तो आप देखना कभी, तो उनसे चला नहीं जाता, तो वो एक तरह से क्या हो गया, बकलिंग होने लग जाती है, तो उनसे सीधा खड़ा नहीं हो जाता, है ना। तो जब या दूसरी तरफ देखना, बॉडी बिल्डर जो होते हैं उनके पास जो लेग्स है, लेग्स का साइज जो है वो बहुत ज्यादा, मोटाई ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, मसल ज्यादा बड़े हुए हो जाते हैं, तो वो ज्यादा होने के कारण वो एक तरह से शॉर्ट कॉलम की एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है, शॉर्ट कॉलम की एग्जाम्पल वो आ जाती है, ठीक है। अगर किसी को गलती से पोलियो हो गया तो वो शिकार हुआ है, वो एक तरह से लॉन्ग कॉलम की एग्जाम्पल आ गई, और मीडियम कॉलम हम सब जो ना एक्सरसाइज करते हैं और भगवान की दया से ठीक है, वो एक तरह से मीडियम कॉलम में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक आम सी एग्जाम्पल थी लाइफ में, ठीक है। मैं ऐसा चाहता हूं कि ये आम दुनिया में आपको दिखे, ये सारी चीजें दिखे कि हाँ यह देखो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो आप इसलिए ये आपको एग्जाम्पल दी, ठीक है। और आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और मेरे साथ फेसबुक में जुड़ने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं। और अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे टॉपिक और साथ में लिख देंगे गियर इंस्टीट्यूट, अपने आप आपके सामने वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच।